वेलकम बैक टू माय चैनल। मत लगाओ ना, इधर देखो ना कहाँ जाके बैठ गई हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया है कैमरे के सामने। वैसे बहुत दिनों से मैं बोल रही हूँ कि मैं मम्मी का मेकअप करूंगी, बट मम्मी अंडर में नहीं आ रही थी, तो लेकिन आज मैंने फाइनली मम्मी को बुला लिया है। और मैं ज्यादा मेकअप तो नहीं करूंगी मम्मी का, बस थोड़ा सा नॉर्मली मेकअप करूंगी, मम्मी का लुक चेंज करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं जो सामान यूज करने वाली हूँ वो सामान आप लोगों को दिखा दूंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपने चैनल पर ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली है। फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था, इसलिए तो मैं वही शेयर करने वाली हूँ। तो आज मुझे घर पर भी जाना है, तो मैंने आज 2 से 3 वीडियो शूट कर ली है, तो बाद में डलती रहेंगी करके। तो यहाँ पर मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा मम्मी के लिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, या फिर कुछ और चाहते हो कि मैं कुछ और न्यू करूँ तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैं ट्रूथ एंड डेयर करने वाली थी, बट मैं वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आज जा रही हूँ। वैसे मैं करती, बट मैं आज जा रही हूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तब मैं ट्रूथ एंड डेयर वाला जो चैलेंज आप लोगों ने दिया है, मुझे कमेंट करा है, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ कंप्लीट करके शेयर करूंगी। मैंने उन सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं अपने फोन में, तो मेरे पास सेव हैं। और उनके नाम लेकर, जैसे एक यूट्यूबर, जो यूट्यूबर है यूट्यूबरों का नाम, और जो सब्सक्राइबर है सब्सक्राइबरों का नाम लेकर मैं उन लोगों को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी, सबसे पहले मैं यहाँ पर मम्मी के लिए यूज करूंगी वाहो की विटामिन सी फेस सीरम, या फिर तो ये वाला यूज करूंगी, या फिर मेरे पास बॉडी क्यूपिड का है वो वाला यूज करने वाली हूँ। मैं देखती हूँ कौन सा यूज करती हूँ। 2 सीरम है मेरे पास, फिर में अभी थोड़ा सा रह गया ये वाला। ये है बॉडी क्यूपिड का फेस सीरम, ये भी इसे मैं कम से कम 4 से 5 महीने से यूज कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। और इसे मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी, तो इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ मैं डेडिकेटेड वीडियो में या पर्टिकुलर किसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, या फिर तो इसी में कर दूंगी, या ये वाला फेस सीरम। इसके भी इसमें कितना रह गया, ये है 700 रुपये का है ये। इसके रेट की अगर मैं बात करूँ तो है, इसमें थोड़ा सा रह गया है, बिल्कुल मतलब दूध जैसा आता है इसमें वाइट कलर का। और इसकी स्मेल की बात करूँ तो बहुत अच्छी है ये, मतलब इतना छोटा सा 700 रुपये का है और खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। और इस पर डिस्काउंट चल रहे होते हैं बॉडी क्यूपिड और वाओ के प्रोडक्ट्स पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर आप बाय कर सकते हैं। 2 प्रोडक्ट पे 1 प्रोडक्ट का फ्री है। और ये मैं बात करूँ इसकी पर्टिकुलर रेट की, तो ये 900 रुपये का है। इसमें ऐसे रेट इस पर डलिए, बट डिस्काउंट मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। इस पर रेट तो 900 रुपये पड़ रही है, बट आपको डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। और 2 प्रोडक्ट खरीदने पर 1 प्रोडक्ट फ्री है। तो ये सीरम यूज़ करूँगी, फिर यूज़ करूँगी फेस क्रीम। ये है बायो ऑर्गेनिक की अल्ट्रा रिपेयर सन गार्ड एलोवेरा जेल क्रीम प्लस मॉइस्चराइजर क्रीम, ये 2 चीज़ है इसमें। और मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर मिस्टर ऑफ मिलान का ब्लश थोड़ा सा यूज़ करूँगी, पता नहीं करूँगी या नहीं, ये भी नहीं पता। एक ये, और यहाँ पर लिपस्टिक में मैं ले रही हूँ एसक्यू की मिनी लिपस्टिक, यहाँ पर एसक्यू की लिपस्टिक मैं ले रही हूँ। और आईलाइनर लूंगी मैं ब्लू हैविंग का। और मम्मी के लिए क्लैचर, मम्मी की थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज करूंगी, तो क्लैचर है जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। और ब्यूटी ब्लेंडर तो आप लोगों को पता ही, जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मम्मी के लिए लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन, ये भी 800 रुपये का आया था, ऑनलाइन मंगाया था मैंने ये वाला। तो इस 800 का लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पर ये कलर वार का परफेक्ट मैच प्राइमर, तो ये मैं यूज़ करूँगी, ये भी 900 रुपये की, इस पर 850 रुपये रेट पड़ रही है, ये भी इतने का ही है।
और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे की स्ट्रॉबेरी लिप बाम, ये 150 रुपए की है शायद, 150 की मैंने लोकल मार्केट से ली। मैट में भी आपको मिल जाती है, दोनों है मेरे पास, बट मैं लेकर यहाँ पर एक ही आई थी, तो ये एक है मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल। और ये है मस्कारा, मस्कारा है म्यून का, ये 200 का है। म्यून का ऐसा तो टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ फुल कवरेज देता है फाउंडेशन, और परफेक्टली मैच करता है स्किन से। आपको लगाने के बाद हाई वेट नहीं लगेगा, एकदम लाइट वेटेड है। तो ये लूंगी मैं यूज करूंगी, तो ये ही प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास NYV की यहाँ पर थी, मेरे पास लिप क्रियोन था पिंक कलर का, बट शेड नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये छिला हुआ नहीं है एट ए टाइम, तो ये खत्म सा हो गया है, तो मैं इसको अभी यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ ब्रश यूज कर रही हूँ, मैंने ये ऑफलाइन ही लिए थे मैंने ये, और इसका ब्यूटी ब्लेंडर निकल चुका है, जो मुझे इसे सही करना है, इसके अंदर डालना है, फेविक्विक से चिपकाना है, देखिए इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता था, बट ये निकल गया। और यहाँ पर मैं ब्रश यूज कर रही हूँ, ये मिस्ट्रल ऑफ मिलान का है ये ब्लशर ब्रश, और यहाँ पर आई शैडो ब्रश है ये, और ये है लिपस्टिक ब्रश, और यहाँ पर ये आईब्रो पेंसिल, और यहाँ पर आप ये हाइलाइटर के लिए यूज कर लो, किसी के लिए भी आपकी मर्जी है। और यहाँ पर ये मैं यूज कर रही हूँ मस्कारा के लिए आईलैशेस कर्लर, जो दिशा का है, मैं लाई नहीं हूँ। अब चलिए देखिए, ये वाली लिपस्टिक भी यूज कर सकती हूँ, पता चले कौन सी करती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेकअप, है ना। चलिए गाइज, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और यदि मैं आपको लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पर क्या था, मम्मी की बिंदी जो थी मैंने गले पर लगा ली है, और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर वाओ का फेस सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे बेस के लिए, और इसे हम डेली 2 से 3 बार इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका मैंने अभी आपके साथ रिव्यू शेयर नहीं करा है, लेकिन आप चाहो तो इसे पर्पल से भी ले सकते हो, और वाओ का एक खुद का भी ऐप है, उस पर ले सकते हो। उस पर आपको 2 खरीदने पर एक फ्री मिलेगा सामान, यानी 3 अगर आप बाय करते हो तो आपको 2 के ही पैसे देने पड़ेंगे। और पर्पल पर इस टाइम हर प्रोडक्ट पर 50% ऑफ चल रहा है, तो आप जाइए और बाय कर लीजिए। आई हर्ट सेल चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो हर प्रोडक्ट पर आपको कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कलर बार लैक्मे और आइकॉनिक, मतलब सब भी अच्छे अच्छे ब्रांड पर 50% ऑफ है, और 10% का डिस्काउंट मैं नीचे कूपन कोड दूंगी, तो आप बाय कर लेना। यहाँ पर लॉरियल पेरिस का मैं 1 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, 1 साल से 6 महीने से, मुझे अभी पूरा नहीं याद, लेकिन आपने मेरे हर मेकअप में ये ज़रूर देखा होगा। तो आप इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। वैसे मैंने ये अमेज़ोन से मंगाया था, लेकिन पर्पल पर इस टाइम डिस्काउंट है, तो आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर कलर बार का मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, ये दोनों चीज़ मैंने एक साथ मंगाई थी, जब मैंने स्ट्रेटनिंग मशीन मंगाई थी तभी मैंने कई सारी चीज़ें मंगाई थी। तो इन सब का भी लिंक मैं दे दे रही हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी सेल चल रही है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उसके बाद मैं फाउंडेशन वही यूज़ कर रही हूँ, लॉरियल पेरिस का, मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। और मम्मी ये मेकअप अपनी लाइफ में पहली बार करा रही हैं, तो मम्मी मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी और कह रही थी मुझे नमूनी मत बना दियो, करवा तो रही हूँ। मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं मेरा, बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं सभी बच्चों को, और हर माँ करती है, मैं नहीं, हर माँ करती है। और यहाँ पर मिनिस्ट्रल ऑफ मिलान का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगा। मैंने वैसे ये वेस्टीज कंपनी के साथ काम करा था मैंने, तब ये मैंने बाय करा था मिनिस्ट्रल ऑफ मिलान का, ये मैं कम से कम
डेढ़ साल से यूज़ कर रही हूँ। जब मैं यूट्यूब पर आई थी तब ये मेरे पास था और ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। अभी भी इसमें काफ़ी सारा है, मतलब ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ बहुत ही लाइट वेटेड, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं मिस गोल्ड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा आई शेडो पैलेट है। मैंने इसकी पिगमेंटेशन गाइज इतनी अच्छी है, मैं ऐसे भी डेढ़ साल से यूज़ कर रही हूँ, इसको भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये भी पर्पल पर मिलता है। मैंने तो ये अमेज़ॉन से बाय करा था और ये मुझे फुल पैसों में मिला था, लेकिन अभी पर्पल पर सेल है तो आप आधे पैसों में इसे ख़रीद सकते हो। बहुत ही अच्छी सेल चल रही है, आपको हर प्रोडक्ट, हर कंपनी का कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट आपको आधी रेट पर मिल जाएगा। और अभी दीपावली आ रही है तो दीपावली पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा और अच्छे अच्छे आप तैयार हो सकते हो। मतलब आप कम से कम ऐसा प्रोडक्ट अपने पास रखिए, सारे प्रोडक्ट कम से कम, कि मेकअप कभी भी करो, और लड़कियों का तो फेवरेट होता है मेकअप। और यहाँ पर मैं मियोन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने आईब्रो पेंसिल यूज़ करी है, मम्मी के आईलाइनर मैंने लगा दिया था जो कि ब्लू हेवन का था। एक्चुअली मैं सारा सामान तो भर के लेके नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला मतलब बड़ी वाली जो होती है ना अटैची, या मेकअप की जो पूरा बैग टाइप होता है, वो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लेके जा सकती हूँ। तो मैं जो सामान होता है वो लेके जाती हूँ। और अभी मेरे चैनल पर चल रही थी, गिव अवे चल रहा है, आपने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लेना। और यहाँ पर मम्मी की थ्रेडिंग नहीं बनी थी तो मैं वाइट कलर के उससे हाइलाइटर से इसको सेट कर रही थी ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये बनी हुई है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो यहाँ पर शिमरी आई शेडो पैलेट लिया है, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, तो इससे थोड़ा सा मेरा स्पार्कल स्पार्कल सा हो रहा था। और यहाँ पर फिर से मैंने ना कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दिया है तो मम्मी का ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं लगेगा, क्योंकि मम्मी बहुत मुझ पर मजाक कर रही थी, कहती मुझे बंदरिया मत बना दियो, खड़ा तो कर लिया है मुझे, क्योंकि माँ बड़ी काफ़ी एज की होती हैं और कोई गलत कमेंट कर दे तो देखिए बुरा लगता है, बहुत बड़ी होती है, बहुत हर्ट करता है बड़े बड़े बूढ़ों को। यहाँ पर मैं मिस्टर ऑफ मिलान का ही ब्लशर यूज़ कर रही हूँ जो बहुत ही अच्छा है, और ये भी कम उसमें लग जाता है, मतलब थोड़े से में लग जाता है। इसे मैं सेट कर ले रही हूँ अच्छी तरह से यहाँ पर दोनों, मतलब मिस्टर ऑफ विलान के ब्रश से, ये भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो मैं नीचे लिंक दे रही हूँ, आप जाकर बाय कर लीजिएगा। ये प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन आज आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे क्योंकि पर्पल पर सेल है तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन वैसे तो ये एक्सपेंसिव है। तो मैंने यहाँ पर मम्मी की बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी है, और मैंने यहाँ पर मस्कारा से मम्मी के जो बाल थे आगे आगे के वो थोड़े ब्लैक कर दिए थे, मम्मी की थ्रेडिंग ब्लैक कर दी थी, मतलब सॉरी आईब्रो ब्लैक कर दी थी मम्मी की, और मम्मी की आँखें देखोगे तो मैंने ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करा है। तो आई होप आपको ये मेकअप मम्मी का अच्छा लगेगा, अभी फुल लुक मैं आपको दिखा दूँगी। सो सबसे पहले तब तक के लिए आप देखिएगा कैसी लग रही है मेरी माँ। तो मेरा जस्ट आप देख सकते हो बगल में क्या हालत है मेकअप की। तो मम्मी को मैंने आगे बाल कर दिए हैं, मम्मी के मैंने मस्कारा से, अगर आप कहीं जा रहे हो पार्टी में और आपके आगे के बाल वाइट दिख रहे हैं और आप कलर नहीं कर पाए हो तो आप मस्कारा या काजल की हेल्प से आप इस तरह से टूथब्रश भी ले सकते हो, मैंने मस्कारा लिया था, टूथब्रश भी ले सकते हो, उससे आगे के बाल काले कर लेना। मम्मी यही पूछ रही थी ये कब तक काले रहेंगे, मैंने जब तक आपके बालों में पानी नहीं जाएगा तब तक ये काले रहेगा और उसके बाद ये सफ़ेद हो जाएंगे। तो मम्मी कह रही तो का फ़ायदा है लली, मम्मी तो आप लोगों को पता है ऐसे ही बोलते हैं, तो का फ़ायदा है। तो मम्मी को आदत है सर ढकने की तो मम्मी ने तुरंत सर ढक लिया, ऐसा नहीं है कि हर वक्त सर ढकती हैं लेकिन कभी कभी खोल भी जाता है। वो मम्मी काफ़ी सुंदर लग रही थी तो मेरी छोटी वाली बहन कहती मम्मी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। वाकई में मम्मी के बाल अपने टाइम पे काफ़ी बड़े थे लेकिन हम लोगों के नहीं हैं। सो गाइस मैंने मम्मी का मेकअप कर दिया है बट पता ज़्यादा नहीं चल रहा क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा कराया नहीं है, मैंने तो करा बट मम्मी ने ये कह दी कि मेरे ने ज़्यादा ब्रशर वगैरह और ऐसा लगाई हो मत, बस कि तेरा भी मन रह जाए और मतलब कि वीडियो तेरी बन जाए और दिखे भी है ना, तो वो ही हाल हुआ है, दिख रहा है नहीं है, कुछ भी दिख रहा नहीं है, आप लोग देख सकते हो है कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मेकअप हो गया कि हाँ ये चीज़ यूज़ करिए इस तरीके से। और बस मम्मी कैसी लग रही है, वैसे भी मम्मी सिंपल ही रहती है आप लोगों ने देखा ही होगा, और ऐसी रहती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो किसी दिन शादी वगैरह होगी या कोई प्रोग्राम होगा तो मैं और अच्छी तरह से करूंगी, तब मम्मी की अभी आईब्रो भी नहीं बन रही है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मम्मी की आईब्रो काफी बड़ी बड़ी है, काफी बड़ी बड़ी, और मेरे पास अभी एग्जैक्टली पूरा सामान है भी नहीं, तो जितना था उसी से मैंने एडजस्ट करा है, बहुत ही कम मैंने चीजें यूज करी है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही कम, पता नहीं चले, बहुत ही लाइट है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।